जी मास्क पहन रहे हैं। नागरिक सुरक्षा के उपकरण के जो है सेक्टर 12-9 में है और नागरिक सुरक्षा के द्वारा जिन लोगों ने मास्क नहीं लगाया है नागरिक सुरक्षा के द्वारा उनको जो है ये मास्क जो है वितरित किया जा रहा है। यहाँ इनसे बात हुई और कुछ महिलाओं के पास चलते हैं, एक दूसरी तस्वीर दिखाते हैं श्रीलता। यहाँ पर एक तस्वीर आप इधर की देखिए, जो गोमती किनारे का घाट है जहाँ पर अर्घ दिया जाएगा सूर्यदेव को, भगवान सूर्य को। यहाँ पर आप देखिए किस तरह से व्रती महिलाएं जो हैं वो पानी में खड़े होकर इस समय पूजन अर्चन कर रही है। और यहीं पर जब कल अपने व्रत का वो पारण करेंगे, 36 घंटे लंबा निर्जल व्रत उसका जब पारण होगा तब भी यहाँ पर पूरी व्यवस्था की गई है। और ये जो आयोजन स्थल है इससे अलग अगर हम बात करें तो लखनऊ में और भी कई जगह आयोजन के लिए स्थल बनाए गए हैं, क्योंकि हर कोई एक जगह नहीं आ सकता। ये देखिए आप तस्वीरें कि किस तरह से श्रद्धालु जो व्रती महिलाएं हैं यहाँ पर हैं, माँ गोमती में स्नान कर रही हैं, डुबकी लगा रही हैं। और आपको दिखाएं किस तरह से ढोल नगाड़ों के साथ लोग यहाँ पर, एक और रंग ढोल नगाड़ों के बीच धुन जो है उसके बीच में यहाँ पर लोग अपने परिवारों के साथ पहुंचे हैं। सीधी तस्वीरें आप देखिए यहाँ पर कि किस तरह से इस आस्था के महापर्व को सभी मनाने के लिए पहुंचे हैं एक साथ, क्योंकि पिछले साल देखिए कोरोना भी था और कोरोना की वजह से यह रूप देखने को नहीं मिला था, लेकिन अब जब कोरोना के मामले बहुत कम हो गए तो एक बार फिर से गोमती किनारे ये रंग देखने को मिल रहे हैं। चलेंगे कुछ महिलाओं से भी आज हम बात करेंगे और जानेंगे जो व्रत रख रही हैं उनसे भी हम बात करेंगे। बिल्कुल देखिए हमारे कैमरा सहयोगी प्रमोद इस समय हमारे साथ जो यहाँ की तस्वीरें दिखा रहे हैं, चलते हैं प्रमोद के साथ में और कुछ महिलाओं से बात करते हैं यहाँ पर जो व्रत रख रही हैं निर्जल इतना लंबा व्रत। ये देखिए ये वेदियाँ बनाई गई हैं, सुशोभिताएँ एक से एक रंग बिरंगी सुशोभिताएँ हैं जो यहाँ पर बनाई गई हैं जहाँ पूजा हो रही है। ये देखिए पूरे विधि विधान से और घर के जो सदस्य हैं वो पूरी सहायता कर रहे हैं लोगों की। आगे चलते हैं और कुछ लोगों से बात करते हैं, सीधे जानते हैं आज जिस तरह से विधि विधान से वो लोग पूजा करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं उन्हीं से। मैडम क्या नाम है? व्रत आपने भी रखा? आज क्या करेंगे, आज किस तरह से विधि विधान से पूजा हो? अब यहाँ पूजा होगा, घर में कोसी भरा होगा, घर में तो पूजा होगा। पिछले साल तो कोरोना की वजह से यहाँ कम लोग आए थे, इस बार फिर से बहुत अच्छा माहौल दिख रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं? कुछ और भी महिलाओं से देखिए यहाँ पर कितने अच्छे से लोग सजे हुए हैं इस समय, क्योंकि देखिए आस्था का पर्व है और ये पूरा कह सकते हैं त्योहारी मौसम। पहले हमने देखा दीपावली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज और उसके बाद अब ये 4 दिवसीय आस्था का महापर्व जब छठी मैया को और कोई पूज रहा है। एक और महिला यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। मैडम क्या नाम है आपका? वैशाली। आपने भी व्रत रखा? नहीं। अच्छा आज यहाँ पर परिवार के साथ आए?